अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। फाइनली बहुत दिनों बाद आज हम लोग फिर दोबारा इंदौर आ रहे हैं और आज हम एनसीजी में और जो कि लोकेटेड लेवेंडी में और यहाँ हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें टोटल 6 टीम है। लीग बेसिस पे मैचेस हैं, उस पर एक मैच ऑलरेडी हो चुका है जो भी टीम है वो गई। अब लीग बेस पे मैच है, हमारा मैच है ये और टॉस जीत के बैटिंग करिए। और ये मुनीप भाई हमारे साथ इधर आओ, मुनीप भाई हमारे साथ है ये और उन पर बैटिंग है। क्या लगता है, क्या कितना टारगेट कर? कुछ भी नहीं लगता है, चलो ना भाई, पता नहीं यार, कुछ लगता नहीं है, तबीयत का लगता है। ऐसी आए देखो, पहले बोलो बोल जाएंगे। हेलो तो भाई, स्क्रीनिंग स्टार्ट होने वाली है, मुनीप गया है और साथ उसके गया है कौन है, एहसन उसके साथ है। देखते हैं पहला मैच है हमारा, बैठो। चले गाइस, इस कमेंट्री इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच है और पहली बॉल हो चुकी है। ये दूसरी बॉल, बॉलर आए, मुनीप भाई फेस कर रहे हैं, पीछे शॉट कर रहा है और ये इस तरह एक रन बन गया। बॉल काफ़ी बाउंस हुआ था, मुनीप भाई शायद समझ नहीं पाए। ओवर की तीसरी बॉल, हसान बैटिंग पे, बॉलर आए, वाइड बॉल। ये तीसरी बॉल, हसान बैटिंग पे और ये बॉल हो गई है। हसान ने बॉल डक कर दी थी, अच्छा बॉल विकेट पे थोड़ा घूम रहा है, अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। ये चौथी बॉल, बॉलर आए भाग के, हसान स्लो वन और ये नो बॉल। बॉल कुछ ज़्यादा ही फ्लैट करने की सोच ली थी, नो बॉल हो गई है। ये बॉलर वापस गए भागते हुए, चौथी बॉल वापस से करा रहे हैं। ये एक बार फिर टप्पा मारा, बॉल निकल गई, हाइड हो गई है, वाइड है, वाइड है। ये पांचवी बॉल बॉलर कराने के लिए आ रहा है, वाइड हो गई थी चौथी बॉल और ये शॉट मारा और ये कैच ड्रॉप हो गया है और ये इधर रन आउट भी मिस हो गया है। मिसअंडरस्टैंडिंग हसान की तरफ से, मुनीप भाई रन नहीं भागे, कैच छूटा, इधर शफल हुआ और रन आउट भी बच गया। इस ओवर की लास्ट बॉल बॉलर कराने के लिए आए अपोजिट टीम बॉलर को पकअप करते हुए, हसान बैटिंग पे शॉट, सामने का बॉल मिस कर दिया, हसान गुस्सा होते हुए और इस तरह ओवर हो गया। पहले ओवर में 3 रन आए, दूसरा ओवर कराने के लिए बॉलर आ गए हैं। पहली बॉल कराने के लिए बॉलर आए, मुनीप भाई बैटिंग पे बॉल कराई और ये यॉर्कर मुनीप भाई के पैर से लगी। मुनीप भाई पहले पिच को समझना चाह रहे हैं, उसके बाद खेलेंगे। दूसरी बॉल ओवर की, बॉलर कराने के लिए आए, मुनीप भाई ने शॉट खेला कवर्स पे, फील्डर के हाथ में बॉल और ये रन आउट मिस। थ्रो कराने इधर नहीं है वरना ये डबल भी हो सकता था और ये अदाने हो रही हैं। अभी मैं फिलहाल कमेंट्री नहीं करूँगा। अबे भाई तीसरी बॉल कराने के लिए बॉलर आ रहे हैं, पांचवी बॉल कराने के लिए आ रहे हैं। ओवर का लास्ट बॉल, तीसरा ओवर, दूसरे ओवर की तीसरी बॉल से अदान होना शुरू हो गई थी। तीसरे ओवर की पहली बॉल, हसान बैटिंग पे, मुनीप भाई आउट हो चुके हैं जैसा कि आपको पता है और ये 6 मार रहे हैं हसान की तरफ से 6 और ये मोइस खुश होते हुए कि हसान ने छक्का मारा है। क्यों खुश हो रहे हो भाई आप? दूसरी बॉल कराने के लिए आ गए, दूसरी बॉल कराने के लिए बॉलर, हसान बैटिंग पे, वाइड बॉल, बॉल कुछ ज़्यादा स्पिन हुआ है, पड़ गई। तीसरा बॉल कराने के लिए बॉलर हाजिर, हसान बैटिंग पे और ये एक बार फिर मिस करा,
आगे बैट नहीं लेके जा, बॉल खुद ही दे रहे बैट, क्रीज के पास खड़ोगे खेलना है, क्रीज के पास खेल सकता है। तो हाँ बैटिंग बॉलिंग पे है, दूसरी बॉल फिर कराते हुए हसन के, हसन की बॉडी पे लगी बॉल, हसन की बॉडी पे लगी बॉल और ये ब्लैक बैग रन नहीं है जैसा कि आप सुन रहे होंगे। तीसरी बॉल ये फिर वाइड हो गई है, बॉडी पे कर रहा है भाई, भाई लग गया था। चलो भाई चौथी बॉल कराने के लिए आ गए और ये हाथों में कैच दे दिया हसन ने, दो बॉल रह गई हैं और हसन सेफ बैटिंग पे गए हैं। चौथी बॉल कराने के लिए तो आ रहे हैं सेफ बैटिंग पे, चौथी बॉल सेफ ने खेला और ये हवा में उड़ी बॉल नेट पे लगी और ये एक रन बन गया है और इस तरह हमारे सुभान बैटिंग पे आ गए हैं। ये लास्ट पांचवी बॉल है, वाइड हो गई है, वाइड का रन, पांचवी बॉल कराने के लिए वापस वापस सिक्स सुभान की तरफ से, छः लास्ट बॉल, एक बार फिर सुभान से छक्के की उम्मीद, सुभान बैटिंग पे तो हाँ बॉलिंग पे और ये शॉट लगा है, ये एक रन हुआ, दूसरे रन के लिए सैफ भागे और ये थ्रो मिस हुई है। दूसरी इनिंग उस्मान बॉलिंग पे, पहले ओवर में सुभान लोगों की टीम ने 25 रन का टारगेट दिया और दूसरी इनिंग स्टार्ट, उस्मान बॉलिंग पे आते हुए ये फील्ड लग गई है और अहमद फील्ड के बीच में आ गए, पहली बॉल कराने के लिए उस्मान रेडी हो रहे हैं और ये दूसरी इनिंग की पहली बॉल, बैट्समैन बैटिंग पे और ये शॉट मारा सुभान की तरफ बॉल और ये रन आउट, पहली बॉल पे ही रन आउट, पहली बॉल पे रन आउट, बैट्समैन डिसअपॉइंट, सुभान की तरफ से अच्छी थ्रो, उस्मान की तरफ से अच्छी बॉल, नेक्स्ट बैट्समैन आ रहे हैं, बैट्समैन नेम आदिल, सेकंड बॉल सेकंड इनिंग के पहले ओवर की, शॉट मारा और ये छः सिक्स रन, बैट्समैन की तरफ से अच्छा शॉट, बैट्समैन नेम, हाँ भाई बैट्समैन नेम अरीब, अरीब ने अच्छा छक्का मारा दूसरी बॉल पे उस्मान को, तीसरी बॉल कराने के लिए आया उस्मान, अच्छी बॉल और ये कैच हो सकता था और ये कैच ड्रॉप हो गया है, रन इतने नहीं हैं कि अब मिस फील करें, ये छः रन हो गए हैं, दो पे दो छः लग गए हैं, उस्मान फील्डर की तरफ से डिसअपॉइंट, अजीब ने अच्छे शॉट खेले हैं, थोड़ा उठाते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये चौथी बॉल कराने के लिए आ गए हैं उस्मान, एक बार फिर शॉट मारा और ये फिर छः, तीन पे तीन छः पड़ गए हैं उस्मान को, बैट्समैन खुश होते हुए, बैट्समैन की तरफ से अच्छी बॉलिंग अरीब अली और अपोजिट टीम की तरफ से, चौथा बॉल तो सेकंड का और ये हेड विकेट हो गए हैं, और ये हेड विकेट हो गए हैं, अहमद की तरफ से अच्छी थ्रो लेकिन फायदा कुछ नहीं, ये हेड विकेट हो गए हैं, अपोजिट टीम अपने बैट्समैन अरीब से बहुत खुश, नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं लेफ्टी हैं, अब इधर उधर रोना पड़ेगा लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, उस्मान कुछ ज़्यादा ही रन खा चुके हैं, पांचवी बॉल कराने के लिए उस्मान आ गए हैं, बॉल बैट्समैन रेडी उस्मान और ये एज निकला और ये बॉल इधर आया और उस्मान आए और ये इस तरह एक रन बन चुका है, उस्मान का ओवर ख़त्म हो चुका है, उस्मान के ओवर में 6-18 रन आए, मुइज बॉलिंग पे लेफ्टी, इनसे कुछ उम्मीद है, 12 पे 6 बैट्स और ये उस्मान अहमद की तरफ बॉल और ये इन्होंने थ्रो की, थ्रो का रन नहीं है बदकिस्मती से, एक बॉल और एक रन,
5 रन चाहिए 11 बॉलों पे। और ये राइटी एक बार फिर, ये लगा दूसरी बॉल कराने के लिए मुइज आ रहे हैं, दूसरी बॉल कराने के लिए आए। और ये एक बार फिर सिंगल के लिए आए। और ये थ्रो मारी मुनीप भाई ने और ये मिस हो चुकी है। 2 बॉल 2 रन 4 रन चाहिए 10 बॉलों पे। मुइज बॉलिंग पे आ गए हैं तीसरी बॉल कराने के लिए आते हुए। और ये बोल्ड बेहतरीन कड़क बॉल मारा और बैट्समैन बोल्ड हो चुके हैं। नजार एक अच्छे बॉलर हैं, मुइज एक अच्छे बॉलर हैं। शाजमान में काफ़ी लोग जानते हैं, कभी पिट जाते हैं कभी आउट कर देते हैं। और ये राइट ही आ गए हैं, चौथा बॉल कराने के लिए आए। और ये मिस, आठ पे 4 चाहिए। बोल्ड मारा अभी गद्दार ने, मुइज ने बहुत कड़क बोल्ड था। 4 बॉलें हो गई हैं मुइज बॉलिंग पे, बैट्समैन रेडी 5वीं बॉल कराने के लिए। और ये वाइड बॉल कराई मेरे बिल्कुल बराबर में से कुछ, ये बॉल अगर मुझे लग जाती तो मेरे बहुत ज़ोर से लगती। 5वीं बॉल कराने के लिए मुइज आए। और ये एक बार फिर बोल्ड, लास्ट बॉल ले गई है। तोहा बैटिंग पे आए हैं, लास्ट बॉल 4 रन चाहिए 7 बॉलों पे। बैट्समैन रेडी, मुइज बॉलिंग पे। और ये वाइड बॉल 2 रन रह गए हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है रन गिनने में मुझसे। 2 रन रह गए हैं मुइज बॉलिंग पे, बैट्समैन। और ये अच्छा बॉल मुइज का ओवर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 4 रन आए हैं, 2 रन रह गए हैं अगले ओवर में। तीसरा ओवर 6 बॉलों पे 2 रन रह गए हैं, सब मुंह पे आ गए हैं, सैफ बॉलिंग में आ गए हैं। और ये पहली बॉल तीसरा ओवर की, बैट्समैन गुड बॉल 5 बॉलों पे 2 रन रह गए हैं, ये मुश्किल लग रहा है, सब मुंह पे आ गए हैं। और ये सैफ फुल पुरजोश, दूसरा बॉल और ये शॉट मारा रन आउट मिस हुआ, 1 रन रह गया, 4 पे 1 रह गया अपोजिट। बैटिंग टीम बहुत खुश अपने बैट्समैन से, 1 रन निकाला, अब वो प्रेशर से छुटकारा पा चुके हैं। 4 बॉलों पे 1 रन रह गई है, और 4 बॉलों पे 1 रन रह गया। तीसरी बॉल कराने के लिए सैफ आए और ये कड़क बॉल, बहुत अच्छा बॉल। 3 बॉलों पे 1 रन रह गया है, तोहा बैटिंग पे, सैफ बॉलिंग पे, सैफ अच्छा खेल रहे हैं। और ये सैफ ने बॉल, और ये गुड बॉल, और ये मेरे ख्याल से पैर से लगाए, और ये अंपायर की तरफ से बोला गया पैर से लगाए। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपस में, ये पैर से लगाए, रेडी हो गए। स्टेट का डिसीजन, स्टेट एम्पायर पहले देता है, लेग एम्पायर वहां का हाइट वगैरह देखता है। चौथी बॉल कराने के लिए, 5वीं बॉल कराने के लिए आए। और ये एक बार, एक बॉल पे 1 रन, और ये सुपर ओवर, मैच इंटरेस्टिंग हो चुका है। और ये सुभान लोग अच्छा खेल रहे हैं, अपोजिट टीम में प्रेशर, ये देखें इनके एक्स बैट्समैन ने अच्छा खेला। सैफ की तरफ से अच्छी बॉलिंग और मुइज की तरफ से अच्छी बॉलिंग, उस्मान ने रन खा लिए। और ये डिसीजन हो रहा है बैट्समैन और नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ बैट्समैन जाते हुए। सैफ रेडी, 1 बॉल पे 1 रन, सब मुंह पे आ गए हैं, 1 रन बिल्कुल भी बनने नहीं दिएगा मेरे ख्याल से, ये सुपर ओवर होना चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत की है। और ये सैफ आखिरी बॉल कराने के लिए आए, 1 बॉल पे 1 रन, और ये पैर लगाए
पैर लगाए, पैर लगाए क्या हुआ है? पैर लगाए वो भी बोल रहे पैर लगाए। ये अबान भाई कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं वहां से बैठ के, और ये अदीन दी वन एंड ओनली, और भाई और ये उस्ताद हमारे शाह मैंने पूरा मैच मरवा दिया था सामने देखा ब्लॉग में, और खैर दो ओवर से रुक अच्छा रुका, अब जो है बहुत अच्छा लगा लड़का, कवर कर लिया ना, खैर अब बस खैर हो गया भाई, सुपर ओवर इंशाल्लाह सुपर ओवर हो गया है जैसा कि आपने देखा, पहला बॉल सुपर ओवर का पहला बॉल अरीब बैटिंग पे, सैफ बॉलिंग पे, सैफ आए और ये वाइड बॉल अंपायर की तरफ से वाइड बॉल दिया गया, तेज बॉल था, अच्छा बॉल था, बाहर था, और अरीब ने ज़्यादा बल्ला नहीं लाए। दूसरा बॉल सैफ ने लास्ट ओवर में अच्छी बॉलिंग करी, दूसरा बॉल सैफ आए और ये डॉट बॉल, बहुत तेज़ बॉल आ रहा है सैफ का, बैट्समैन समझ नहीं पा रहे क्योंकि बॉल इस विकेट पे घूम रहा है। तीसरा बॉल का आने के लिए सैफ आए, सैफ बॉलिंग पे, अरीब बैटिंग पे, और ये शॉट मारा उस्मान के पास से गई और ये रन आउट मिस हो गया, उस्मान की तरफ से अच्छी थ्रो, एक रन बन गया मुनीब भाई, मुनीब भाई गुस्सा करते हुए, मोबाइल ज़रा मसला कर रहा था। दो बॉल ऐसी हो चुकी हैं सैफ ने, अभी एक रन आया लास्ट बॉल पे, ये लास्ट बॉल है और ये बॉडी पे लगी है उस्मान की तरफ बॉल, और उस्मान ने रन आउट मार दिया है, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग सैफ की तरफ से। लास्ट बॉल कराने के लिए सैफ तैयार, बैट्समैन आ गए हैं, राइटी हैं, लास्ट बॉल सुपर ओवर का देखते हैं क्या होता है। अच्छा बॉल यॉर्कर, अहमद की तरफ बॉल, अहमद ने रन आउट मिस किया, मुनीब भाई की तरफ थ्रो, मुनीब भाई ने रन आउट मिस कर दिया है, तो भाई दूसरे इनिंग का पहला ओवर हो जा रहा है और सुबहान स्ट्राइक पे है और नॉन स्ट्राइकर है हमारा सैफ। टारगेट क्या है? छह रन का टारगेट है, देखते क्या होता है। बहुत ऊपर मार दिया था यार इसने। पांच पे पांच रह गए, पांच पे पांच रह गए, बॉलर दोबारा भागते हुए आ रहे हैं और फिर बॉल कराई उन्होंने और सैफ ने शॉट खेला कवर्स की तरफ और मेरे ख्याल में रन आउट, सैफ रन आउट। मुनीब जा रहा है सैफ की जगह और सैफ यार रन आउट हो गया। रोड भी खेल लेंगे, पांच रह गए, और ये तीसरी बॉल पे करता है आते हुए यार, बाबले हो पहला मैच हम हार गए, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अगले मैच में मैं बहुत सारा ख्याल रखूंगा।